जांजगीर चांपा जिले अंतर्गत विकास खंड नवागढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जहां सरपंच संघ नवागढ़ के आंदोलन को समर्थन दिया। जहां सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा नेता प्रतिपक्ष का स्वागत फूल माला एवं साल भेंट कर किया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरपंच संघ के मंच को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सरपंच संघ के सभी मांगों का समर्थन करता हूं, और आगे कहा कि भूपेश सरकार ने पंचायतों के लिए कोई भी राशि नहीं दी है। जो कुछ भी मनरेगा 15वें वित्त से काम पंचायतों में अभी हो रही है, वह सब केंद्र सरकार का पैसा है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार अपना सारा पैसा नरवा गड़ुआ गुड़ुआ बाड़ी में ही लगा दे रही है। पंचायतों में 4 साल की सरकार ने विकास का एक ईंट भी नहीं रखी है। आज हमारा जो विकास खंड मुख्यालय नवागढ़ है, नवागढ़ में जनपद कार्यालय के सामने हमारे जो सरपंच भाई हैं पूरे ब्लॉक के, वे सब लोग विगत अनेक दिनों से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। आज हम उनका आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ रुके थे। हमारे सरपंचों के साथ में निश्चित रूप से भूपेश की सरकार कांग्रेस की सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए, उनको जो विकास की राशि है उनको प्राप्त होना चाहिए। सरपंच जो है, पंचायत जो है, वो ग्राम पूरे देश में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इकाई ग्रामीण विकास की, लेकिन पूरा 4.25 साल हमारे बेचारे जो सरपंच है, जो चुन के आए हैं, जनता ने जिनको चुना है, अब इनकी स्थिति वैसे जैसे दुच्छा हाथ हो जाता है। मन ही मन दुच्छा हाथ हो गया बेचारा, करें का सर। तो भाजपा सरकार आएगी तो सारे मांगों को पूरा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं आप? भाजपा सरकार आएगी, अभी चुनाव 1 साल है, हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, घोषणा पत्र में जो भी शामिल करने योग्य हो उसको शामिल करेंगे। सरपंच जो सम्मान था वो आप और भाजपा सरकार ने जितना इनको पैसा दिया था वो तो आज तक नहीं मिला है। हम विकास कामों के लिए गांव को प्राथमिकता देंगे, पंचायत को प्राथमिकता देंगे, और हम इनके 13 सूत्री मांगों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, CG Vision TV।